दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। आज का हमारा टॉपिक है NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं NSAID के इंट्रोडक्शन से। NSAID का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इट मीन्स यहाँ हमने दो वर्ड्स देखा, नॉन स्टेरॉयडल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल का मीन्स होता है कि ये एक ऐसा ड्रग है जिसमें स्टेरॉयड्स का प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा वर्ड है एंटी इन्फ्लामेटरी, इट मीन्स एक ऐसा ड्रग जो हमारे बॉडी के इन्फ्लामेशन के परसेप्शन को कम करता है। अगर हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार की टिश्यू इंजरी हुआ या किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसके परसेप्शन को ये ड्रग्स कम करता है, इसीलिए इसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहा जाता है। अब बात करेंगे इसके डेफिनेशन की, तो हम पॉइंट पॉइंट में समझेंगे इसके डेफिनेशन। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक। इट मीन्स ये एक ऐसा ड्रग है जिसमें ओपियम या उसके डेरिवेटिव का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए इसे नॉन ओपियोइड कहा गया है। दूसरा पॉइंट है नॉन स्टेरॉयडल एजेंट। ये एक ऐसा ड्रग है जो बिना स्टेरॉयड के प्रेजेंस से ही पेन या इन्फ्लामेशन के परसेप्शन को कम करता है। विच इज यूज टू रिड्यूस पेन, जो पेन के परसेप्शन को कम करे। डिक्रीज फीवर, अगर हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी प्रकार के पायरोजन का इन्फेक्शन हो गया तो उससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर एलिवेट हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में फीवर कहते हैं। तो ये फीवर को भी रिड्यूस करता है, हमारे बॉडी के एलिवेटेड टेम्परेचर को भी रिड्यूस करता है। इट प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स, ये ब्लड क्लॉट्स को भी इनहिबिट करता है ताकि नॉर्मल ब्लड फ्लो हो सके, जिसका एग्जांपल आप देखेंगे आगे एस्पिरिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन, रिड्यूस इन्फ्लामेशन ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का सबसे मेन प्रॉपर्टी है कि ये इन्फ्लामेशन के परसेप्शन को कम करता है। अब हम बात करेंगे NSAID के प्रॉपर्टीज के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज एनाल्जेसिक, सेकेंड इज एंटीपायरेटिक एंड थर्ड इज एंटी इन्फ्लामेटरी। हमने यहाँ NSAID के तीन फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मेंशन किया है। तो सबसे पहले जानेंगे एनाल्जेसिक के बारे में। एनाल्जेसिक से हम ये जानते हैं कि ये एक ऐसा ड्रग है जो आपके बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिंस, जो कि एक ऑटाकॉइड्स है, उसके द्वारा इंड्यूसिंग पेन को रिवर्सिबल टाइप से ब्लॉक करता है, कि ये पेन के परसेप्शन को कम करता है, बट रिवर्सिबल टाइप से। अब रिवर्सिबल पे हमने इसलिए फोकस किया है कि रिवर्सिबल से हम जानते हैं कि पेन हम थोड़ी देर के लिए ठीक कर सकते हैं, पेन को हम थोड़ी देर के लिए ही कम कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते, इसीलिए हमने मेंशन किया है रिवर्सिबल टाइप से ये पेन के परसेप्शन को ब्लॉक करता है। दूसरा जो हमने प्रॉपर्टीज का मेंशन किया है वो है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक से हम जानते हैं अगर किसी पायरोजेन या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर किसी टिश्यू इंजरी के इन्फेक्शन से हमारे बॉडी का टेम्परेचर एलिवेट हो गया है, बढ़ गया है हमारे बॉडी का टेम्परेचर, तो ये NSAID उसे रिड्यूस करने का काम करता है, इसीलिए इसे हम एंटीपायरेटिक कहते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में NSAID का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो ये बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस नहीं करेगा। तीसरा जो प्रॉपर्टीज है वो है एंटी इन्फ्लामेटरी, जो कि नॉन स्टेरॉयडल का एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का मेन प्रॉपर्टीज है। NSAID का मेन एक्शन है COX-2 का इनहिबिट करना, जिससे कि इंज्योर्ड टिश्यू पर प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस नहीं हो पाता, जिससे इन्फ्लामेशन नहीं होते। इस तरह NSAID अपना एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज शो करता है। आप सभी जानते हैं
कॉक्स टू एंजाइम जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिकर्सर माना जाता है। अगर आप NSAID एडमिनिस्टर्ड करते हैं तो कॉक्स टू प्रोस्टाग्लैंडिन्स को सिंथेसाइज ही नहीं होने देगा, जिससे कि इंजोर्ड टिश्यू पे पेन का परसेप्शन या इन्फ्लामेशन का परसेप्शन नहीं हो पाएगा। चलिए अब बात करते हैं, आपने पहले भी फीवर या पेन के ट्रीटमेंट के लिए NSAID का यूज किया होगा। वो NSAID या तो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज का होगा, या एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज का होगा, या फिर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज का होगा, या तीनों में से सभी हो सकता, या तीनों में से एक भी हो सकता है। आपको याद होगा कि आपने फीवर के ट्रीटमेंट के लिए पारासीटामोल का यूज किया होगा, जो पारासीटामोल एंटीपायरेटिक एक्शन शो करता है और फीवर को रिड्यूस करता है, या आपने एनाल्जेसिक के रूप में पेन के परसेप्शन को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए निमोलिसाइड का यूज किया होगा, वो एज अ एनाल्जेसिक हम यूज करते हैं। अब हम देख इम्पोर्टेंट पॉइंट है NSAID के बारे में, कि अगर हम NSAID को नार्कोटिक एनाल्जेसिक एज लाइक मॉर्फिन से कंपेयर करें तो ये वीकर एनाल्जेसिक है। NSAID एक वीकर एनाल्जेसिक है, लेकिन ये CNS को डिप्रेस नहीं करता और ना ही ये ड्रॉसीनेस प्रोड्यूस करता है, हेलुसिनेशन भी ये प्रोड्यूस नहीं करता। इसके साथ साथ ही NSAID नॉन एडिक्टिव ड्रग है, कि इसको आप हैबिचुअल की तरह इसे नहीं ले सकते, ये हैबिचुएशन कॉज नहीं करता। अब हम NSAID से जुड़े कुछ हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। सैलिसिलिक एसिड पहला ऐसा NSAID था जिसको एज अ एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज होने के कारण 1875 में यूज किया गया था। सैलिसिलिक एसिड विलोबार्ट सेलिक्स अल्बा के बीटर ग्लाइकोसाइड को हाइड्रोलिसिस करने पर ऑब्टेंड किया गया था। इसके बाद फिनाइल ब्यूटाजोन को 1949 में डिस्कवर्ड किया गया, जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज था। इसके बाद मोर पोटेंट NSAID इंडोमेथासिन 1963 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो एज एंटी गाउट रिमेडीज यूज किया गया। इसके बाद प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव ड्रग्स लाइक आइबुप्रोफेन को 1961 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो फर्स्ट ओवर द काउंटर NSAID माना जाता है। अब बात करेंगे हम NSAID के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो पहला क्लासिफिकेशन है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स NSAIDs। क्लासिफिकेशन जानने से पहले हमें दो टर्म को जानना बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट इज नॉन सेलेक्टिव एंड सेकेंड इज कॉक्स। नॉन सेलेक्टिव मीन्स ये NSAID का ऐसा कैटेगरी है जो कॉक्स वन एंड कॉक्स टू दोनों को इनहिबिट कर सकता है, इनका कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं है। अब बात करेंगे कॉक्स, जो कि एक इम्पोर्टेंट टर्म है, तो हम जानेंगे कॉक्स को साइक्लो ऑक्सीजिनेज भी कहते हैं। ये हमारे बॉडी में ऑटाकॉइड्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स को सिंथेसाइज करता है, और यही प्रोस्टाग्लैंडिन्स पेन और इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉक्स वन हमारे बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होता है, जबकि कॉक्स टू किसी टिश्यू इंजरी या फिर किसी पायरोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन होने पर एक्टिवेट होता है। तो हमने जाना कि कॉक्स वन एंड कॉक्स टू पेन के या फिर फीवर के परसेप्शन को इंड्यूस करने के लिए होता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को सिंथेसाइज करता है। अगर हम NSAID एडमिनिस्टर्ड करते हैं तो ये कॉक्स वन एंड कॉक्स टू को इनहिबिट करता है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज ही नहीं हो पाता और पेन या इन्फ्लामेशन का परसेप्शन कम हो जाता है। तो हमने जाना कि कॉक्स टू कॉक्स वन के कंपैरिजन में ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और यही मेनली पेन के परसेप्शन को इंड्यूस करता है।
अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन पर, जो कि है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर एनएसएएड्स। इसमें हमने पांच या छह सब क्लास किया है। फर्स्ट जो इसका सब क्लास है वो है सैलिसिलेट एंड देयर कंजेंस है कंजेनर्स। तो उसके जो एग्जाम्पल हैं मेन हम देखेंगे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसे एस्पिरिन भी कहा जाता है। आप एस्पिरिन से पहले से ही वेल नोन होंगे, पहले ही जानते होंगे एज अ एनाल्जेसिक आप एस्पिरिन का यूज करते हैं। और एस्पिरिन ब्लड क्लॉट को भी इनहिबिट करता है, जिससे कि ब्लड वेसल्स में नॉर्मल ब्लड फ्लो होने लगता है। दूसरा जो सैलिसिलेट का एग्जाम्पल है वो है मिथाइल सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। ये सारे सैलिसिलेट के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा जो हमारा सब क्लास है वो है पारा अमीनो फिनॉल डेरिवेटिव। पारा अमीनो फिनॉल डेरिवेटिव ही नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर एनएसएड्स है। आप सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग्स जो है इसका वो है पारासीटामोल। आप पारासीटामोल से बचपन से अभी तक इसके बारे में जानते होंगे। पारासीटामोल को एसिटामिनोफेन भी कहा जाता है। ये फीवर को रिड्यूस करने के लिए काम आता है। दूसरा ड्रग्स है हमारा फेनासेटीन। अब तीसरे सब क्लास की बात करेंगे हम, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। इसके जो एग्जाम्पल है आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन को एज अ एंटी गाउट रेमेडीज या फिर पेन के परसेप्शन को कम करने के लिए या फिर एज अ एनाल्जेसिक हम यूज करते हैं। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन, इंडोब्यूफेन। इन सभी ड्रग्स से आप पहले ही जानते होंगे कि ये एक इम्पोर्टेंट एनएसएआरडी है। फोर्थ जो हमारा सब क्लास है वो है फेनामेट। फेनामेट जिसे का ड्रग्स है मेफेनेमिक एसिड, एनफेनेमिक एसिड। ये मेसुरल पेन को रिड्यूस करने में काम आता है। ये भी एक एनएसएआरडी है। नेक्स्ट जो हमारा सब क्लास है वो है इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। इसके जो एग्जाम्पल है वो आप बहुत जगह सुने होंगे फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में, वो है इंडोमेथासिन एंड टोलमेटीन। इंडोमेथासिन को एज अ एंटी गाउट रेमेडीज, स्पोंडियोलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, रिमेटोइड अर्थराइटिस, इसके ट्रीटमेंट में हम इंडोमेथासिन का यूज करते हैं। ये वेल नॉन एनएसएड्स माना जाता है। इसके बाद जो हमारा सब क्लास है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर का वो है पायराजोलोन डेरिवेटिव्स। पायराजोलोन डेरिवेटिव्स से हम का उसका ड्रग्स जानेंगे फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन, फेप्राजोन, एनाल्जीन। ये सभी एनएसएड्स हैं। और नेक्स्ट जो हमारा सब क्लास है पिरोक्सिकैम। ये पिरोक्सिकैम ऑक्सीकैम डेरिवेटिव्स हैं। तो हम एक क्विक रिव्यू फिर करेंगे कि नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर क्या है। कि ये कॉक्स वन और कॉक्स टू दोनों को इनहिबिट करता है, जिससे कि टिश्यू जो इंजरी हुआ है या फिर किसी पेन के परसेप्शन को प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस नहीं होने देता, जिससे कि हमारे बॉडी में इंफ्लामेशन नहीं हो पाता। इस तरह से ए नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है। अब दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो है प्रिफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर एनएसएआरडी। प्रिफरेंशियल, यहाँ एक वर्ड हमने ऐड किया है। प्रिफरेंशियल से हम जानेंगे कि आप सभी जानते हैं कॉक्स वन एंड कॉक्स टू दो साइक्लोऑक्सीजिनेज होते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को फॉर्मेशन करते हैं। तो कॉक्स वन एंड कॉक्स टू में ये जो ड्रग्स हैं वो कॉक्स टू को प्रिफर करेंगे, वो कॉक्स टू को प्रिफर करके इनहिबिट करेंगे, जिससे कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो प्रिफरेंशियल कॉक्स टू को से हम समझे कि अगर जनरल लैंग्वेज में बात करें, अगर आपको लंदन या दिल्ली पसंद है तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे हमें लंदन पसंद है। तो इस तरह से आपने प्रिफरेंस दिया दोनों में से एक, लंदन को। तो इसी तरह ये कॉक्स वन एंड कॉक्स टू में कॉक्स टू को प्रिफर करता है। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो है फिनाइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स। फिनाइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स के जो ड्रग्स हैं वो है डिक्लोफिनैक,
एसिलोफिनाक, इन दोनों ड्रग से आप पहले भी जानकार होंगे। डिक्लोफिनाक जो कि बहुत सारे आप पेन को परसेप्शन को कम करने के लिए यूज जो किया जाता है, वोलनी जेल, या फिर एसिलोफिनाक एसिलो प्लस जो टेबलेट आता है पेन को कम करने के लिए, वो आप पहले से ही अवगत होंगे। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट सब क्लास है वो है निमुलसाइड। निमुलसाइड को एज ए एनाल्जेसिक या एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स पहले से ही यूज किया जाता है, इसके बारे में आप जानते होंगे। दूसरा जो है हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है वो सेलेक्टिव कॉक्स2 इनहिबिटर एनिसेट्स। इट मींस ये पूरी तरह से कॉक्स2 को ही इनहिबिट करेगा, ये कॉक्स2 पे ही अपना एक्शन शो करेगा। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है सेलेकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, ये सेलेक्टिव कॉक्स2 इनहिबिटर है। आगे की वीडियो में हम एनएसएड्स के एक एक ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, फार्मेसी नॉलेज से जुड़े रहे और इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।